मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों का अंतिम प्रकाशन और चिन्हीकरण हो गया है। 9 अप्रैल को मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव और 12 अप्रैल को मतगणना मंडी समिति में होगी। 38 मतदान केंद्रों पर मतदान का कार्य संपन्न कराया जाएगा। इस मतदान में मुरादाबाद मंडल के तकरीबन 8,666 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चुनाव में लगे अधिकारियों का एक दिवसीय परीक्षण आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन 2022 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन 2022 जनपद में 1800 वोटर्स हैं और मतदान के दिन 9 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर बूथ पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उन्होंने स्टैटिक मजिस्ट्रेटों से कहा कि पूरा चुनाव अपनी निगरानी में संपन्न कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि पीठासीन अधिकारी को सहयोग करने के लिए एक स्टैटिक सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। निर्भीक होकर मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया को संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेटों के पास उच्च अधिकारियों का नंबर अवश्य हो, ताकि किसी भी समस्या का समाधान समय रहते किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान लेखा का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कार्य को ठीक प्रकार से करें। उन्होंने कहा कि पीठासीन एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट का चुनाव में दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सक्रियता बरतते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। देखिए 12 तारीख को जैसा आप लोग सभी जान रहे हैं कि मुरादाबाद की जो विधान परिषद स्थानीय निकाय विधान परिषद क्षेत्र है, उसका 9 तारीख को मतदान हो रहा है और 12 तारीख को मतगणना। जो मतगणना में हमारे अधिकारी लोग लगे हैं, उसमें एक सुपरवाइजर और 4 सहायक लगे हुए हैं, प्लस एक माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हुए हैं। तो उन लोगों का आज प्रशिक्षण कराया गया कि किस तरह से मतगणना कराई जाएगी, क्योंकि एकल संक्रमणी मत पद्धति से इसकी मतगणना होती है, इसके बारे में आज इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। और जो भी हमारे सुपरवाइजर और सहायक हैं, उन सबको निर्देशित किया गया कि प्रातः 7 बजे प्रत्येक दशा में मंडी में जहाँ मतगणना होनी है अपने अपने पंडाल में 7 बजे तक आ जाएंगे, निष्पक्षतापूर्वक मतगणना करें, जिससे किसी को सीधे शिकायतों का मौका न मिले और सभी के साथ समान भाव रखा जाए, प्रॉपरली काउंटिंग की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 6 घंटे में हमारी मतगणना कंप्लीट हो जाएगी और हम रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ। सर कितने सेंटर पोलिंग सेंटर बनाए? देखिए टोटल अगर हम 4 जिलों की बात करें तो 35 पोलिंग स्टेशन हैं हमारे और 8,066 वोटर्स हैं। तो इसमें वोटिंग परसेंटेज चूँकि अच्छा होता है तो उम्मीद करते हैं काफ़ी वोट पड़ेंगे, तो हम इस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि अगर 8,066 सारे वोट पड़ गए तो हम किस तरह से काउंट करेंगे उसके हिसाब से। थैंक यू।